एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 पार्ट सेकंड ऑफ योर बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ चैप्टर। बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी टेल यू दैट आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाइए नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक बार फिर से सिलेबस देखते हैं। पार्ट वन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाई तक किया था, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हाउ करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट थर्ड ऑफ द वीडियो में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पार्ट थर्ड में आपको देखने को मिलेगा कैसे बना और क्यों इफेक्टिव है। पार्ट्स में इसलिए बनाती हूँ इस ताकि जो है, इवन इफ अगर आपका सिलेबस चेंज हो तो यू नो इट विल बी वर्केबल। और फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो मैंने आपको बताया कि आपके चैप्टर नंबर सेकेंड से दिया गया है, वो हम लोग करेंगे पार्ट फोर्थ ऑफ द वीडियो में। एंड उसके बाद हमारे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी पार्ट फोर्थ में कर जो है फोर पार्ट्स में आपको इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। बार बार आई एम टेलिंग यू अबाउट दी अपडेटेड सिलेबस। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो आज हम लोग करने वाले हैं द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना दिया लेकिन सब उसको फॉलो करेंगे, या उसकी जो एक प्लेस है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस हमने दी थी पिछले पार्ट में, हमने किया था वाई कॉन्स्टिट्यूशन वी नीडेड इट। उसका क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि फंक्शंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। तो इसको घुमाकर फंक्शंस के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो अभी तक हमने फंक्शंस या वाई वाले क्वेश्चन किए थे, अब हाउ वाले क्वेश्चंस करने का समय आ गया है कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी जो है वो कैसे आगे प्लेस करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी को कैसे दिखाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, एंड इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, जिसको भी साथ साथ में हम लोग कर लेंगे। अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में तीन मेन पॉइंट रहते हैं, तीनों को इन डिटेल करेंगे, अलग अलग से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वहीं साथ में इसके भी क्वेश्चंस के आंसर्स हमको वो करते करते मिल जाएंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग इन द वन वीडियो, डोंट गो फॉर अ शॉर्टकट बिकॉज दीज आर द बेस, जो कि आपको बाद में यू विल बी मिसिंग इट आउट, इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से पढ़िए। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मोस्ट कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होता है जो कि जिसके अंदर नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, जिसके अंदर लिखा होता है कि स्टेट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, क्या रूल्स जो हैं वो फॉलो होंगे, ठीक है। और जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी भी कंट्री का पूछते हैं तो हम ऐसे टाइप के डॉक्यूमेंट की बात कर रहे होते हैं। बट क्या होता है ना कि कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, उनके अंदर कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके अंदर जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कह पाएँ, बट सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। और कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जो मान लीजिए अगर हमने डिसीजन ले लिया कि राइट टू लाइफ में जो है राइट टू लाइवलीहुड भी आएगा, तो कुछ वो डिसीजंस भी फंडामेंटल हो गए। मे बी क्या पता वो कॉन्स्टिट्यूशन में ना दिए हों, जिसको जब अब मैं आपको ये पूरी बुक करवाऊंगी तो आपको पता लग ही जाएगा, काफ़ी सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी चीज़ें हैं, बट दिस इज़ अ थिंग, ठीक है। तो सिर्फ एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और डिसीजंस भी हो सकते हैं जिनको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दे सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शंस दैट वी मेंशन अबव। कौन से वाले फंक्शंस? पार्ट वन वाले फंक्शंस, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो ठीक है। अब अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला पॉइंट आता है हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने पूछा था। ये कैसे पता लगेगा? मोड ऑफ प्रोमुलगेशन के थ्रू। मतलब पहला पॉइंट आप मान लीजिए अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है हाउ इफेक्टिव एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कितना इफेक्टिव एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो डिपेंड करता है कि किसने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, इस पर ज़्यादा वो रहेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर डिफंक्ट रहता है, डिफंक्ट का मतलब नो लॉन्गर इन यूज़, बस बना दिया उसको कोई यूज़ नहीं करता है, जहाँ पर मिलिट्री लीडर्स या फिर वो लीडर्स जो पॉपुलर नहीं होते हैं, जिनको मतलब कि जिनके पास जनता की सपोर्ट नहीं होती है, जब वो बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो जनरली ऐसा होता है कि सारे लोग उसको नहीं मानते हैं,
ठीक है, बस वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। जितनी भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं, चाहे वो इंडिया का है, साउथ अफ्रीका का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, वो आप देखेंगे कि पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स के बाद बनाए, यानी कि सभी लोगों की जो है रजामंदी से बना है। उनको बनाने वाला कौन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बनाने वाले के पास लोगों का सपोर्ट है तब तो लोग उसे मानेंगे, लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया एंड यू डोंट हैव सपोर्ट, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं मानेगा। तो उसकी कितना इफेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करेगा कि मोड ऑफ प्रोमिलगेशन क्या है। प्रोमिलगेशन मीन्स जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी चीज़ होती है वो आपने बना दी है, लेकिन उसको एनेक्ट करने का जब ये एक अनाउंसमेंट की जाती है तो हम कहते हैं उसे प्रोमिलगेट किया गया है। अगर हम इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और जानते हैं कि कैसे ये वाला फैक्टर मदद करता है इफेक्टिव बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आप देखिएगा फॉर्मली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है। फॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। कब बनाया है? बिटवीन दिसंबर 1906 टू नवंबर 1949, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ठीक है, सो उसके पीछे वो ऐसे ही नहीं बना, बट एक लॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट चला था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यू नो, जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी सारे आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर पढ़ रहे होंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में पीजेंट से लेकर वुमेन सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो साथ में आए थे, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। तो वहाँ से एक लेजिटिमेसी मिली है, एक लेजिटिमेसी कहाँ से मिली है कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने बनाया था जिन लोगों के पास पब्लिक की बहुत सपोर्ट थी, पब्लिक उन पर विश्वास करती थी, ठीक है, उनके पास कैपेसिटी थी कि वो नेगोशिएट कर पाएँ, वो रिस्पेक्ट जो है वो वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की गेन कर पाएँ, सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे और वो सारी ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क कर पाएँ, सभी को साथ लेकर चल पाएँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल पावर को ना देखें बट नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखें, है ना। और ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट वाला कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो पूरे नेशनल कंसेंसस को दिखाता है, किसी एक पर्सन की उसको नहीं दिखाता है। तो यही दिखाता है कि भाई कितना इफेक्टिव होगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि कितनी जो है किसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब जैसे कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में पहले रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम मीन्स एक डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को दे दिया, हम सारे लोग आपस में मिलकर येस या नो में आंसर देंगे कि हमको ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। कई लोगों ने रेफरेंडम भी करवाया है, ठीक है, जहाँ से पीपल ने डिज़ायरेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में वोट किया। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पूछा भी जाता है ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज में कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके के रेफरेंडम में, आप सोचिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी किसी भी प्रकार के रेफरेंडम तक में नहीं गया है, मतलब उनसे लोगों की रजामंदी भी नहीं मांगी गई है, पर तब भी हम सब उसको बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक अथॉरिटी देते हैं, हम उनकी बातों को मानते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने उन्हें बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं, हमारा फेथ उनमें था। बहुत सारी लीडर्स की कंसेंसस को मिलाकर बना है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम में नहीं हुआ, लेकिन जो है उन्होंने सारे प्रोविजंस जो भी किए हैं वो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो यानी कि जो अथॉरिटी ऑफ द पीपल है जो एनेक्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिटरमाइन करेगा कि कितना सक्सेसफुल वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कितना इफेक्टिव वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आ जाता है द सब्सटैंसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेकेंड पॉइंट हो जाता है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले पॉइंट में, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी इससे भी मिलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने बना लिया बट अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की तो बात हो गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या क्या हैं, अच्छे प्रोविजंस डाल दिए हैं या बुरे प्रोविजंस डाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस डाले हैं, ठीक है। और यहां से हमें एक और क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, कितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, वो इससे पता लगेगा कि उसके प्रोविजंस क्या हैं, उसके अंदर लिखा क्या गया है, ठीक है। सो इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हर एक पर्सन इन द सोसाइटी को एक रीज़न दे कि हम उसके प्रोविजन के द्वारा जाएं, यानी कि अगर वुमेंस है तो वुमेन को एक रीज़न दिया जाए, उसके अंदर एक कोई बात दिखे वुमेंस को उस कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए जो वो उनके प्रोविजंस को फॉलो करें। उस तरीके से पुअर में एक बात दिखे, एससी कास्ट को एक बात दिखे, ओबीसी कास्ट को एक बात दिखे, ठीक है, सभी को कोई बात दिखे जो इट विल बी
going along by its provision. ये most important point है. See, we are not teaching you just because आपके examination point of view से आएगा, but आपको एक deeper knowledge होनी चाहिए चीज़ों की. ठीक है, तो मेरा motive यही है. I never teach you for you know exam perspective, 100 marks आएंगे, most important question. No, just try to grasp up the things, and if you will run behind the knowledge, definitely marks will run behind you. So वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन ऐसे हो कि वो सबको रीज़न दे कि यू नो उनके साथ जाया जा पाए. जैसे कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने अलाउ कर दिया कि परमानेंट मेजॉरिटीज़ रहेंगी और वो माइनॉरिटी ग्रुप्स को ऑपरेट करेंगी, तो क्या माइनॉरिटीज़ को कोई रीज़न मिलेगा टू गो अलॉन्ग बाई दिस प्रोविजन? माइनॉरिटीज़ फॉलो नहीं करेंगी. वहाँ से क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ना ही जस्ट बन पाया और ना ही वो इतना इफेक्टिव हो पाया. उसकी अथॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गई क्योंकि माइनॉरिटीज़ आर नॉट फॉलोइंग इट. कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रिविलेज करता है कुछ मेंबर्स को एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर मेंबर्स, वो कभी भी किसी की भी एलिजियंस कमांड नहीं कर सकता, मतलब लोयलिटी. ठीक है, एलिजियंस का मतलब क्या होता है? दैट इज़ वाई मैंने हार्ड वर्ड्स रखे सो दैट आई विल बी एबल टू टेल यू द मीनिंग एज वेल. तो एलिजियंस का मतलब होता है कि लोयलिटी, वो किसी की भी लोयलिटी गेन नहीं कर पाएगा, कोई भी उसको फॉलो नहीं कर पाएगा. जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन आप ज़्यादा फ्रीडम और ज़्यादा इक्वलिटी देते हैं अपने मेंबर्स को, दे आर द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको लोग जस्ट मानते हैं और फॉलो करते हैं. ठीक है, आज तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई परफेक्ट जस्टिस जो है वो अचीव नहीं कर पाया है, लेकिन समवेयर इट हैज़ कन्विंस्ड द पीपल कि हाँ, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देगा कि एटलीस्ट बेसिक जस्टिस जो है वो सबको मिलेगा, परफेक्ट जस्टिस मिले ना मिले. ठीक है, लास्ट पॉइंट हो जाता है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. ठीक है, सो जनरली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो थर्ड पॉइंट जो सबसे पहले सामने आता है, दैट इज़ अ बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल नॉर्म्स प्रोसीजर्स जो बने होते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे में एग्जीक्यूटिव एक इंस्टीट्यूशन हो गया, फिर जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है. अब इनके बीच में बैलेंस बनाना, यानी कि इनकी पावर्स को बैलेंस बनाना, कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से सुपीरियर ना हो. देखिए ये क्यों किया जा रहा है, अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पॉइंट है, ये क्यों किया जा रहा है? इसमें अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे. इसका मेन मोटिव ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी सबवर्ट ना कर पाए. आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी अच्छे, प्रोविजंस भी अच्छा है. व्हाट इफ किसी ने आकर उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की कोशिश की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, यानी कि सबवर्ट मतलब नीचा दिखा दिया, मतलब कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर होने लग गया, तो तब क्या करेंगे? तो ये थर्ड पॉइंट उस चीज़ को देख रहा है, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी को कैसे बचाएंगे. तो इसके दो मेथड ही हैं, बहुत इजी. फर्स्ट, पावर को फ्रेगमेंट कर दो, यानी कि पावर को एक जगह मत रखो, नहीं तो वो एक जना जो है वो सभी के ऊपर क्या हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा. अगर हम किसी एक के हाथ इतनी ज़्यादा पावर दे देंगे, तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर दे दी होती तो फिर क्या होता? वही बात है कि हमने जो है पावर को फ्रेगमेंट कर दो. इस तरीके से करो कि कोई भी सिंगल ग्रुप जो है वो आपस में ना कर पाए. मतलब पावर है तो थोड़ी इसको दे दी, थोड़ी इसको दे दी, थोड़ी इसको दे दी, कि कोई भी अकेला बंदा उसको नहीं कर पाएगा, या कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबको एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी पावर दी है. इन दोनों के पास भी पावर है, इन दोनों के पास भी पावर है. तो इस तरीके से इंटेलिजेंटली आपको पावर को फ्रेगमेंट करना है कि कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन पे ना हो पाए. जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो हम हॉरिजॉन्टली भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वर्टिकली भी करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल स्टेट भी कर रहे हैं और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी भी कर रहे हैं. साथ ही साथ जो है इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह, तो सब में थोड़ी थोड़ी पावर दे रहे हैं. इलेक्शन कमीशन को भी पावर दे दी, लेजिस्लेचर को भी दी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, सबको थोड़ी थोड़ी दे दी. तो इससे क्या इंश्योर होगा? कोई भी इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को नहीं रहेगा, सारे एक दूसरे पर क्या करेंगे, चेक और बैलेंस बना कर रख पाएंगे. इस कारण कोई भी ऊपर नहीं उठ पाएगा, ऊपर नहीं उठ पाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कभी भी डाउन नहीं होगी. सो सी हाउ वाइज यू नो इट इज़. तो इस तरीके से बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन बनाएंगे. दूसरा जो इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन होगा वो ये होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है इस चीज़ में बैलेंस नहीं करना है, बट आपको बैलेंस करना है कि जो कुछ वैल्यूज़, नॉर्म्स, प्रोसीजर जो अथॉरिटेटिव होंगे, एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्लस रिजिडिटी, ना ही वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो कि हमारे कोई भी चेंजेस होएं
एंड वो कोलैप्स हो जाए। मान लो अब जो है ऑनलाइन एजुकेशन का रोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, टेक्नोलॉजी का रोल इंक्रीज़ हो गया, भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो टेक्नोलॉजी जैसा कुछ दे नहीं रखा, ले भाई कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाना पड़ रहा है। तो इतना रिजिड भी ना हो लेकिन इतना फ्लेक्सिबल भी ना हो कि सभी को जो है इतना पनिशमेंट दे नहीं रहे, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक बैलेंस हमको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया तो किसी को भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है। ऑल दो इन द पार्ट थर्ड ऑफ द वीडियो हम कम्प्लीटली पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था और कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है इसके बारे में करेंगे, प्लस हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला टॉपिक भी शायद उठाएंगे, देखा जाएगा, राइट। बट एवरीथिंग विल बी कवर्ड, यू हैव टू नॉट वरी अबाउट इट। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ना लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ स्टार क्वेश्चन, ये पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट कि, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एकदम राइट बैलेंस करता है कि हम लोग प्रोविजन्स को चेंज भी कर सकते हैं, बट टू व्हाट एन एक्सटेंट हम चेंज कर सकते हैं उस पर भी लिमिट है। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी हमारी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये इंश्योर किया है कि हमेशा लिविंग रहेगा, मतलब ये कोई एक स्टैटिक पोर्शन नहीं है, जो मरा हुआ इंसान नहीं है कि भाई बस अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते, बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। ये एक लिविंग जीता जागता एक रियलिटी है ना। सो दिस इज़ द बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। दो तरीके के बैलेंस हैं, ठीक है, एक लेजिडिटी में, एक जो है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में। तो ये चीज़ें रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द पार्ट थर्ड ऑफ द वीडियो वी वुड बी कॉन्टिन्यूइंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो मच इफेक्टिव, प्लस माइट ऑल्सो कवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टॉपिक। सो टिल देन आई थिंक ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, एंड इफ यू लाइक the video you can hit the like button, subscribe to my channel, comment, because that's the only way we can interact, and never forget that sharing is caring. Thanks.